पर सीनी कौन सा? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू क्या थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या, वो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा। अभी लैपटॉप बंद हो गया है आज, ये समस्या। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद बाबू हम लोग थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अब बाबू, नेक्स्ट बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ बाबू बेस्ट, बाबू बेस्ट रिफ्लेक्सर। अरे बेस्ट रिफ्लेक्शन क्या होता अरे जो सरफेस, वैसा सरफेस बाबू जो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टर कहेंगे। रे ऑफ लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टर कहेंगे, है ना बाबू। तो इसका आसान सा बाबू एलकेजी वाला चीज है, ठीक है ना। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए बाबू, इट शुड बी बाबू, बेस्ट रिफ्लेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, जो बढ़िया से रिफ्लेक्ट करे। तो इट शुड बी बाबू इस, इट शुड हैव शाइनिंग सरफेस, कैसा होना चाहिए बाबू, शाइनिंग, चमकीला होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस। मिरर का सरफेस कैसा होता है सर, चमकीला होता है ना बाबू, देखो ना मिरर क्या पूरे चमकीला होता है, एकदम चमचम करता है ना, चमचम करता दिख रहे बाबू, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। सेकंड बाबू एलकेजी का चीज है, ये तो हमको पढ़ाना भी नहीं चाहिए था लेकिन बता देते हैं, इट शुड है बाबू, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं बाबू, कंसेप्ट नहीं, एलकेजी वाला चीज है। इट शुड है बाबू पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, है ना बाबू, पॉलिश क्या होना चाहिए, ठीक है बाबू। दूसरा नेक्स्ट क्या होना चाहिए बाबू, इट शुड है बाबू स्मूथ सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तभी मेरा एक बढ़िया रिफ्लेक्टर बनेगा। बढ़िया रिफ्लेक्टर किसको कहेगा, जिसका सरफेस शाइनिंग रहेगा, पॉलिश क्या हो रहेगा, चिकना चकना रहेगा, है ना बाबू, उसी को कहेंगे। और क्या है, इट शुड है बाबू स्मूथ सरफेस। ये सब थ्योरेटिकल है और कुछ नहीं बाबू, ठीक है ना। जैसे बाबू एग्जांपल बाबू सिल्वर, बाबू सिल्वर, सिल्वर सिल्वर मेटल्स बाबू, ठीक है ना। हम लोग सिल्वर मिरर का, होता है ठीक है, सिल्वर बाबू जो मेटल बाबू, वो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, जो कोटिंग रहता है आप लोग मिरर का, वो तो सिल्वर का ही कोटिंग रहता है, सिल्वर मेटल बाबू, रियल सिल्वर का। हाँ बाबू। और बाबू बेस्ट रिफ्लेक्टर, अल्मोनियम फॉयल देखते हो बाबू, अल्मोनियम फॉयल, तो वो सिल्वर ओरिजिनल सिल्वर नहीं रहे तो आपको बाबू 10 रुपया में आपको चांदी मिल जाएगा। सिल्वर मेटल बाबू बेस्ट रिफ्लेक्टर, जो अल्मोनियम, अल्मोनियम का फॉयल देखे बाबू, जिसमें आप लोग रोटी रोटी पैक करते हो, यस सर, हाँ, तो उसी सर टाइप का रहता, चवन उसी प्राश टाइप का रहता। में भी, सर चवन हाँ प्राश बाबू, में भी। हाँ बाबू, चंद्रप्रास में भी थोड़ा सा ऊपर में रहेगा। सिल्वर मेटल बाबू बेस्ट रिफ्लेक्टर, अच्छा सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर बाबू, सबसे अच्छा है। लिखो शैतान, आगे बताते बाबू, मेरा प्रोजेक्टर तो घूम गया बाबू। अरे सर घूमो क्या सर, नहीं शैतान घूमता हो जाएगा बाबू, तो आप तो बोले अरे रोटेट हो गया शैतान, पोजीशन डिस्प्लेस, अभी फिक्स नहीं किया बाबू इसको। ये बॉल माउंट मिलता है, प्रोजेक्टर का स्टैंड मिलता है, ठीक है ना, उसको ला के फिक्स कर देंगे ना एक जगह, तो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कर देंगे, टाइम नहीं बच पाया, नहीं तो रूम में धुआं करते, थोड़ा सा स्मोक जलाते हैं ना कुछ का, और उसके बाद ये रे ऑफ लाइट ये दिखाते ना बहुत, तो आपको अच्छे से दिखता है, इसमें ये पाथ इसका जाते हुए दिखाई देता, पाथ इसका जाते हुए दिखाई देता है ना, सर। तो ऐसे तो अभी आपको कर दिखाई, दीजिए ना, क्या हो जाएगा, अभी कर दीजिए। टाइम नहीं बाबू, 10 मिनट तो लगेगी ना, फिर वो सब साथ में क्लास भी है, नेक्स्ट टाइम है ना बाबू, नेक्स्ट सर तो कर टाइम, जल्दी से दीजिएगा लिखे। कल। अच्छा ठीक है, जल्दी से लिखे बाबू। आप बाबू थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है बाबू, क्या टर्मिनोलॉजी है ना बाबू, ये लाफ, ये बाबू क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो इसमें वो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड क्या है, उसका बेसिक सा बाबू डिफिनीशन है ना, उसको थोड़ा सा जानेंगे, है ना, उसको थोड़ा सा जानेंगे, है ना वो जानेंगे। नेक्स्ट बाबू हेडिंग देंगे सीता, इसको लिख लिए, लिखी संजना, सर yes,
सोना लिखी $1 trillion सोने लिखो जल्दी बाबू, सोनी बाबू, सोनी सोना अभी सर नहीं कंप्लीट की तो अभी तो बाबू बहुत मार मारेंगे, अभी तो एक के छड़ी पीटे थे इस बार, अभी तो बड़ी मार मारेंगे, खाली नहीं करो ना। होली के आसपास देखते हैं अब भैया से टिकट कटा लेंगे, है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मारिएगा मत सर, बहुत दर्द देता है। तो उससे लिखी सी ना बाबू? यस सर। नेक्स्ट बाबू टर्मिनोलॉजी, बाबू टर्मिनोलॉजी है ना बाबू? नेक्स्ट बाबू सर, और सबको कितना डंटा मारे थे? अरे सबको मार के ढूंढ दिए। टर्मिनोलॉजी बच गया था, मैं बच गया था। टर्मिनोलॉजी बाबू यूज्ड इन बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ, अरे लेट हो रहा था आने में सर, इसलिए बच गया। यूज्ड इन बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रेन का टाइम था, लेट हो रहा था इसीलिए जल्दी जल्दी में, बारिश भी होने लगा। क्या सर, उस दिन तो बारिश नहीं हुआ था, उधर हुआ था बाबू। अच्छा मेरे को मार पड़ा सर, मतलब चार चार के साथ कुछ हुआ था। यूज बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ बाबू लव, मन तन से पढ़ो, ठीक है? ठीक है, पहला क्या सर, पहला पहला क्या बाबू? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये सब डिफिनेशन आपको ध्यान रखना, किसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ये सब बेसिक बेसिक क्या लाइट चैप्टर का बाबू एबीसीडी है। जैसे आपको सेंटेंस बनाना है, मैंगो लिखना था, एबीसीडी सीखोगे तब ना मैंगो लिखते हो, उसी तरह से बाबू लाइट चैप्टर पढ़ना तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब आना चाहिए, है ना बाबू? ठीक है, तो ये क्या होता सर, देखो बाबू क्या होता, पहले समझा दे बाबू। रे ऑफ लाइट जो लाइट निकलता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अरे शैतान शांत रहो, रे ऑफ लाइट बाबू ये आया नहीं दिखाई देता, क्या करे बाबू, हम अपने परेशानी का आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना हमको तो दिखाई छोड़िए नया आ गया सर, नहीं दिखा, ये जो रे ऑफ लाइट यहां से बाबू, अरे शैतान सुनो ना, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट बाबू इस पे स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है ना बाबू, जो रे ऑफ लाइट बाबू स्ट्राइक हुआ है उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। ऐसे टॉर्च ऑन किया ना हो तो जो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है बाबू? और यहाँ से स्ट्राइक होकर बाद ऐसे जो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, उसको रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे आया बाबू, जो रे आया उसको इंसिडेंट रे बाबू, और जो यहाँ से स्ट्राइक होकर इधर रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, उसको क्या कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे ना बाबू। तो ये दो सीखो बाबू, फिर देखते कुछ और जुगाड़ करते बाबू, है ना? ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होगा, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? अरे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं बाबू, प्लेन मिरर हो गया बाबू, कहाँ लटर रहे हो ये बाबू, सरफेस कैसा है, पॉलिश किया हुआ सरफेस है, प्लेन मिरर का सरफेस कैसा है? हाँ शैतान रुको ना, पॉलिश किया बाबू, और यहाँ से जो रे ऑफ जो लाइट आएगा बाबू, ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इंसिडेंट रे कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, इंसिडेंट रे कहेंगे बाबू। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया ना, आगे रिफ्लेक्शन वाला नहीं बनाए, ठीक है ना, वो दूसरे में बनाए, ये क्या हो गया बाबू, इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे हो गया, है ना? जो रे ऑफ लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उसको इंसिडेंट रे, आगे बताएंगे बताएंगे रिफ्लेक्शन, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते बाबू, ठीक है? इट इज द रे बाबू, इट इज द रे बाबू दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। सर 7 बजे वाला बैच है? हाँ बाबू, डेट स्ट्राइक्स द सर्फेस बाबू, जो सर्फेस पर है ना स्ट्राइक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है बाबू? नेक्स्ट बाबू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना बाबू, रिफ्लेक्टेड रे। एक और है बीच में बाबू, एक बीच में और है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद रिफ्लेक्टेड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाबू, अब रे ऑफ लाइट बाबू जिस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करेगा, प्लेन मिरर बाबू जिस पॉइंट किसी एक बिंदु पे आकर स्ट्राइक करेगा ना वो, है ना, मिरर पे बाबू आया इस बिंदु को, इस डॉट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना बाबू। ये जो रे ऑफ लाइट आया इसको इंसिडेंट रे, ठीक है ना, और ये जो बाबू जिस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करेगा, जिस पॉइंट पे बाबू आकर स्ट्राइक करेगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इंसिडेंस कहेंगे बाबू। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द बाबू पॉइंट,
इट इज द बाबू पॉइंट। तेरा मतलब जहां से लाइट टकराया है इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। हां बाबू इट इज द बाबू पॉइंट एट व्हिच बाबू एट व्हिच द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइक्स द सरफेस स्ट्राइक्स बाबू स्ट्राइक्स द सरफेस ठीक। इट इज द पॉइंट बाबू जिस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना। जैसे इसका डायग्राम सर तो ये रे ऑफ लाइट हुआ बाबू और ये इंसिडेंट रे हुआ। ये आपका प्लेन मिरर क्या हो गया सर अनपॉलिश किया हुआ हो गया है ना। और ये जो पॉइंट पे आया बाबू यही मेरा क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको बाबू हर एक फिगर का बाबू ब्रेक कर करके बना रहे हैं ठीक है ना। इस फिगर में सिर्फ इंसिडेंट रे दिखाए इस फिगर में सिर्फ क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखाए है ना बाबू। और लास्ट में वो कंबाइन करके सारे बता देंगे ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। स्कूल वगैरह में क्या बताएंगे बाबू एक ही बार में बता दिया अभी लंबा सर की स्कूल वगैरह में क्या किया एक ही बार बता दिया इंसिडेंट रे वो सब एक ही बार में खिचड़ी बनाकर कर दिया जाएगा। लिखो बस तक लिखे बाबू रिफ्लेक्शन के बाद क्या पढ़ाएंगे। अरे बहुत लाइट लंबा चैप्टर बाबू रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन चलेगा फिर ह्यूमन आई पढ़ना है। सर लेंथ अरे सर रिफ्लेक्शन में लेंस होता है क्यों बाबू ये इतना अति करते रहते हो जितना पढ़ा रहे हो उतना आप ध्यान रखो ना पीछे वाला तो ध्यान रखते नहीं हो। समझे सोना कहानी समझ में आए बाबू सोना आया सर आ गया बाबू अच्छी बात है। तो स्कूल में लाइट चैप्टर पढ़े हो भैया आपके सिलेबस में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नो सर आ जाएगा सिक्स में हो कि सेवन में हो शैतान सेवन सेवन में नहीं दिया बाबू चलो आ ही जाएगा सर एट में होता है सर एट में वो भी थोड़ा सा सिक्स में और थोड़ा सा एट में। लेकिन चलो बाबू आपको हमको बोर्ड की तैयारी करना है टॉप करना सोना टेंथ के बोर्ड में सोना एकदम टॉप करना ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मार्क्स कम भी आ जाता टेंशन नहीं लेना लेकिन टेंथ में एकदम टॉप कर ठीक है बाबू सवा सात बजे से क्लास हो सकता है बाबू। जय बाबू गुड नाइट बाबू दीपावली तो खत्म हो गया छठ का आगमन हो गया बाबू कल भी क्लास आना है शैतान छुट्टी उठी तो है अंकित।